नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। सच की पड़ताल में आज चर्चा बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है। इसमें 8% हिंदू हैं, जो कहा जाता है कि आमतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग की पार्टी का समर्थन करते हैं। आवामी लीग की छवि सेक्युलर पार्टी की है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदुओं के घर कारोबार पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश के हंगामे और अराजकता के बीच सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। आइए एक नजर डालते हैं बांग्लादेश से लगे सभी भारतीय राज्यों की सीमा पर। बांग्लादेश के 100 से भी ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के लाल मनीरहाट की भारतीय सीमा से बस 400 मीटर दूर जमा है और भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ ने इनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के पेत्रापोल लैंड पोर्ट की भारत बांग्लादेश सीमा पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। परेशान बांग्लादेशी यात्री और भारतीय ट्रक चालक सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या उठाएं। हफ्तों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोमवार को, जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भागी हैं, तब से पेत्रापोल में यात्रियों और सामान का आना जाना थमा हुआ है। जलपाईगुड़ी जिले में 500 से 600 बांग्लादेशियों ने जमा होकर भारत में घुसने की कोशिश की तो बीएसएफ ने उसे नाकाम कर दिया। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है और बीएसएफ ने इस पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बाद बीएसएफ ने असम से लगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर का जायजा लिया और उसके बाद सीमा के गुवाहाटी फ्रंटियर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी कमांडरों से पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। खुफिया कार्रवाई में भी तेजी लाई गई है ताकि समय रहते किसी भी खतरे की पहचान करके उससे निपटा जा सके। असम बॉर्डर पुलिस भी बीएसएफ के साथ 262 किलोमीटर बॉर्डर पर साझा गश्त लगा रही है। यहां पर नदियों में गहन गश्त की जा रही है। सड़क निर्माण में जुटे 17 कर्मी जो बांग्लादेश में फंसे हुए थे वो सुरक्षित तौर पर भारत पहुंच गए हैं। ये सभी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मी हैं, जो अखौरा से किशोरगंज की 52 किलोमीटर की सड़क बना रहे थे। इन्हें त्रिपुरा की सीमा के जरिए वापस लाया गया। हालात बिगड़ने के बाद कंपनी में काम करने वाले राम रेल में फंस गए थे। बांग्लादेश की तरफ से बुधवार रात को बीएसएफ से कहा गया था कि इन 17 लोगों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आवाजाही बिल्कुल रुक चुकी है। त्रिपुरा बांग्लादेश की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर कारोबार में लगभग 80% की कमी आई है। पिछले 2 महीनों में घुसपैठ में भारी बढ़त देखी गई। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल के आला अफसरों के साथ बैठक करके उनसे सीमा पर पूरी चौकसी बरतने और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की ताकीद की। मेघालय के साथ बांग्लादेश की 443 किलोमीटर लंबी सीमा पर लगने वाले बाजारों पर हालात को देखते हुए रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से सीमावर्ती इलाकों में रात का कर्फ्यू भी लगा हुआ है। डॉकी की इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट पर चलने वाला कारोबार भी थम गया है। मेघालय में खासी और गारो जैसे कई समुदायों के संबंधी सीमा के उस पार हैं, इसलिए यहाँ रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मिजोरम में लोंगतलाई जिले में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के पास भी कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। सीमा के 3 किलोमीटर के दायरे में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है। मिजोरम और बांग्लादेश के बीच 318 किलोमीटर की सीमा है। रत्नदीप चौधरी और सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। मोहम्मद यूनिस के कमान संभालने के बाद उनको बधाई देते हुए पीएम ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के बारे में पहली प्रतिक्रिया देते हुए
सोशल मीडिया पर मोहम्मद यूनुस जो कि अल्पसंख्यक सरकार के मुखिया है उनके लिए शुभकामनाएं पोस्ट की, कहा कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां हालात सामान्य होंगे और हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई, कहा कि शांति सुरक्षा और विकास दोनों के ही लक्ष्य है। असल में भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि अहम रणनीतिक जरूरत भी है। भारत बांग्लादेश का व्यापार और सुरक्षा पिछले कुछ वर्षों में काफी बेहतरीन हुआ है। भारत की वहां पर हजारों करोड़ के निवेश हैं, आम लोगों की खूब आवाजाही होती है, बड़ी संख्या में छात्र भारत के वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हिंसा के कारण न सिर्फ छात्र वापस लौट आए हैं लगभग सभी, बल्कि जो वहां के नागरिक हैं हिंदू वो भी सीमा तक धकेल दिए गए हैं। लोग यहां पर आना चाहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ वहां पर हिंसा हो रही है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 64 में से 45 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ काफी हिंसा हुई है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ काफी हिंसा हुई है। कई हिंदू बाकियों की तुलना में ज्यादा सेकुलर माने जाने वाली अवामी लीग के समर्थन में रहे, इसने हालात अब और मुश्किल कर दिए हैं क्योंकि अवामी लीग के समर्थकों नेताओं पर भी जबरदस्त हमले हुए हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि वहां पर प्रोटेक्शन मनी जो है वो मांगा जा रहा है हिंदू जो बिजनेसमैन है उनसे। ऐसे में भारत कह रहा है कि बांग्लादेश की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे और ये भी कि पूरे क्षेत्र के लिए ये शांति जो है देश में वो जरूरी है। सीमा पर, भारत की सीमा पर भी उथल पुथल जो है भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। उधर मोहम्मद यूनुस ने पेरिस से आते ही यहां पर ढाका में मीडिया वालों से बात करते हुए ये कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमला जो है वो किसी साजिश के तहत तो हो रही है, किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन साजिश कौन कर रहा है ये उन्होंने कुछ नहीं कहा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान अनिल त्रिगुणायत पूर्व राजदूत हैं और साथ ही सैयद मुनीर खासरो चेयरमैन हैं IPAG के जो बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है सच की पड़ताल में NDTV में। शुरुआत अगर अनिल जी मैं आपसे करूं तो ये बताइए कि आप जो ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई एक तरफ दी है लेकिन साथ ही भारत की चिंताओं को भी जाहिर किया है, वाकई भारत इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहा है और वहां की माइनॉरिटीज को लेकर उसकी अपनी चिंताएं भी हैं। देखिए बांग्लादेश जो है वो हमारा एक बहुत अभिन्न मित्र है और भारत पहले दिन से जब से बांग्लादेश की आजादी हुई तब से लेकर के आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश की सपोर्ट किया है, उसको मदद करने की कोशिश की है और जितना भी कर सकता है भारत उसने किया है। तो एक स्पेशल रिलेशनशिप हमारी बांग्लादेश के साथ है, उसमें कोई भी लीडर बन सकता है, जो लीडर है उसके साथ काम करते हैं हम भारत की हमेशा यही पॉलिसी रही है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो बांग्लादेशी लोग हैं उनके लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल अफेक्शन है। तो अब जो इस वक्त वहाँ पर हालात हैं, जो अनस्टेबल हालात हैं, ऐसे में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हिंदू मुस्लिम राइट्स बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं, इस तरह की जो एक राजकता जब हो जाती है तो उसमें ये एक काफ़ी तरह की सिचुएशन ख़राब होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि जो वहाँ 8-9% माइनॉरिटीज़ हैं उनका ख्याल रखना वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है और आज की डेट में भले ही एक इंटरिम गवर्नमेंट है लेकिन मेन कंट्रोल इस वक्त आर्मी का है। तो आर्मी की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस तरह की जो आर्जन की या एक्सटॉर्शन की या वायलेंस की घटनाएं हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ खासतौर से, बिकॉज उससे क्या है कि बांग्लादेश की क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, उसके लिए काफ़ी इंटरनेशनल मैं समझता हूँ कि जितने भी कन्वेंशंस हैं उनके हिसाब से भी बांग्लादेश को चलना पड़ेगा क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। तो समस्याएं जरूर आएंगी, तो लोगों को अपने आप भी चौकसी रखनी चाहिए, अपना पूरा जितना जैसा नॉर्मली आप अपने इश्यूज को देखते हैं वो करें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रधानमंत्री ने भी कहा और ये बात सच है कि ये वहाँ की सरकार जैसी भी सरकार हो, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट है या परमानेंट गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को किस तरह से देखेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भारतीय लोग रहते हैं वहाँ पर 19,000 करीब भारतीय थे, 8-9,000 बाहर आ गए, अभी आपने एफकॉन्स का रिपोर्ट पेपर दिखाया उनके जो वर्कर्स हैं, क्योंकि भारत ने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ की डेवलपमेंट में जो आज बांग्लादेश
इस जगह खड़ा है जहां पर कि वो डेवलपिंग कंट्री स्टेटस अंडर डेवलप से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भारत का एक बड़ा योगदान है। और ये बात मैं समझता हूं कि वहां की जनता को मालूम है, भले ही इस वक्त पॉलिटिकली एटमोसफियर चार्ज्ड है, लेकिन जो भी वहां पर हिंदू रहते हैं या क्रिश्चियंस रहते हैं वो है तो बांग्लादेशी, तो इसलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल, खासतौर से आप फिक्र भारत की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं पर हमलों की खबर है, उनके कारोबार पर, उनके घरों पर हमलों की खबर है। ऐसे में जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो अंतरिम सरकार है, उसकी बड़ी, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो हालात को जल्द ही सामान्य करे। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि क्या माइनॉरिटीज को लेकर एक अश्योरेंस इस नई सरकार को देना होगा? Thank you. I will speak in English and I hope I have been able to understand what you tried to ask me. You see, as my colleague, the gentleman, distinguished gentleman, has very correctly pointed out, when there's a transition after 15 years of authoritarian rule, in any country there is a little bit of chaos, disorder. We are no exception. And some of the chaos that is happening is not particularly targeted towards Hindu. A lot of Muslims are also affected because in many places, polices have fled, the police stations are empty. So it's not correct to say it's targeted to one particular group. I have seen, and one good thing is, many of the people in the neighborhood have taken up the responsibility of patrolling their houses, their communities. And same with the police station. So it is not particular to any particular Hindu. It's targeted to those miscreants and unruly elements. They do not care about whether you're a Hindu, Muslim, Christian, those who are looting and all that, number one. Number two, what I found this time quite refreshing, many of the students, even some of the people with religious inclination, have gone to temples and said, nobody should attack temple. And some phone numbers have been given, if anybody attacks any temple, please call us. So which I feel very encouraging. A lot of things spiral out in social media, as you know. I'll give a simple example. One of our cricketers who joined the ruling party is a Muslim. His home was ransacked and it came out in the social media in the name of a cricket player who's Hindu, which is absolutely incorrect because because he did not join any army. So many twisting things happen. But what I would encourage, which my distinguished colleague has said, that we fought together the War of Liberation War. A lot of Bangladeshis took shelter in India. So India is our very close friend. And one of the things I've always encouraged my friends in India, please try to be friend of people of Bangladesh, not particular party, not particular person. And this is a great opportunity for India to demonstrate that its friendship, goodwill is not tied to one particular party, one particular person. For example, for some reason, I saw today in the newspaper, Indian visa issuance has been stopped. Now, I don't know what was the reason, but it does not send a very good signal. India is a strong country with a lot of security apparatus to make sure anybody they don't want to enter India does not get a visa, right? So what I'm trying to say, these are the initial period where people are watching very closely India, particularly given the fact there is a perception in people's mind, this particular government was very close to India, backed by India. So India, this is the time for India to prove that its friendship, goodwill, as my other distinguished colleague said, is people of Bangladesh, not particular party. So it's a great opportunity for India to demonstrate that. जी, अब अनिल जी, कई और कारोबारी रिश्ते भी है बांग्लादेश के साथ। अब हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो हम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर जो बांग्लादेशी नागरिक हैं जो भारत के अंदर आना चाहते हैं उनका जमावड़ा भी हम देख रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी मुस्तैद है BSF। लेकिन आपको लग रहा है जो बात खासुर साहब ने कही कि बियॉन्ड पार्टीज़ अपने नेबर को संभालने के लिए भारत को इससे कहीं आगे बढ़ना होगा और ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी, सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी पार्टी की भी हो बांग्लादेश में, लेकिन ताल्लुकात ना बिगड़े। Yes, I fully agree with my friend Mr. Khasru. I mean, whatever he has said is absolutely correct. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप देखें, चाहे कोई भी, अगर अगर वो अपने आप को वहां पर रखकर देखें, तो जो भी पार्टी पावर में होती है उस वक्त में, फॉरेन कंट्रीज उन पार्टीज के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट्स हो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो, वो करते हैं। दैट्स अ रियलिस्टिक असेसमेंट। अब पाकिस्तान देखिए, वहां पर भी जनरल्स ने रूल किया है,
कभी डेमोक्रेट्स रहे, कभी डेमोक्रेसी रही थोड़ी बहुत देर के लिए, वहां पर भी हमने उन लोग के साथ में बात किया, काम किया। आज म्यांमार में देखिए जनरल है उनके साथ भी, तो जो भी गवर्नमेंट होती है। तो लेकिन यह कि ये बात सच है कि शायद इसलिए क्योंकि लिबरेशन मूवमेंट में अवामी लीग आगे थी, तो उसके बाद से भारत के साथ चाहे मुक्ति वाहिनी हो या मुक्ति योद्धा हो या उस तरह की जो एक सिचुएशन है उसमें आपका एक वो रह गया, एक लगता है कि आप बहुत क्लोज हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के। लेकिन सच ये है, मैं बता रहा हूँ, आज भी बार बार प्रधानमंत्री ने भी कहा, सब ने कहा कि असली चीज जो है किसी भी मुल्क के लोग जो हैं, नागरिक जो हैं, बांग्लादेशी जो हैं, उनके लिए हमारा जो भी कर रहे हैं हम, जिनसे हमारी जो उनसियत है वो उनके साथ है, उनका ये किस तरह की सरकार वो चाहते हैं, किस तरह की कौन लीडर चाहते हैं, ये उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये काम हमारा नहीं है कि वहां उनको हम बताएं कि किस तरह का लीडर वो चुने या क्या करें। ये एक बात सच है, इसमें हर कंट्री ये चाहता है कि ऐसे लोग हों जो आपके फ्रेंडली हों, जिनके साथ हम फ्रेंडशिप रखें। तो मैं अपने खासू साहब को ये अश्योर करना चाहता हूँ कि दैट द इंडियन गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज वी वॉन्ट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेशी पीपल। That is a thing. I have served in Bangladesh. I have lived in Bangladesh, and in a very, very difficult period during General Ashraf's time, when they were totally anti-Indian. But at the same, and there were so many Hindu-Muslim riots which were perpetrated by those governments, and I was there as a diplomat. So I can tell you that despite that, India continued to support and assist all the governments. But if those governments are driven by external forces, some other countries, then obviously that causes a problem. I mean, then you have to take a view exactly. So how can you proceed further, whichever. Now, tomorrow, if Khalida Zia comes to power, let us say, India will work with her. Bilkul. If Mr. Yunus continues forever, India will work with him. There is absolutely no question. Whatever is the problem, we can sit across the table and resolve them. So that is there. As far as trade, madam, aapne kaha ke वाणिज्य का क्या है और हमारी जो लोग बॉर्डर के ऊपर आ गए, देखिए ऐसे में क्या है, जो ऑर्डिनरी बेचारे गरीब लोग होते हैं जिनके पास लूज करने कुछ नहीं जिंदगी के अलावा, वो भागते हैं कि कहाँ पे और उनको थोड़ा शेल्टर मिल जाए। तो ये एक नॉर्मल सी बात है और ये हमेशा से, और ऑर्डिनरी टाइम में भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लोग जो है बॉर्डर के थ्रू ट्रेड के लिए, हमने बॉर्डर हार्ट्स बनाई है जगह जगह ट्रेड बढ़ाने के लिए, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, तो उससे ताकि एक दूसरे का पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़े। तो ये जो सारी चीजें हैं ये टेम्परेरीली जरूर हॉल्ट होगा, मुझे याद नहीं है कि हमने वीजा बंद कर दिया। जैसे ही टेंशन डीएस्केलेट होगा, बिल्कुल मैडम साहब ने कहा था वीजा के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए वीजा, मैं नहीं समझता कि वीजा बंद कर दिया गया है। हो ये सकता है कि बिकॉज जो वीजा सेंटर्स हैं और जो लोग हैं वहां पर उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए वो थोड़े दिन के लिए, वो अपनी चिंताएं हैं, बिल्कुल विदेश मंत्रालय की अपनी चिंताएं हैं जिसको लेकर ये बात सामने भी आई है। लेकिन खासू साहब एक आखिरी सवाल आपसे, इस वक्त जब इंटरिम गवर्नमेंट ने कार्यभार संभाल लिया है तो इस वक्त आपको लगता है उसके लिए प्रायोरिटीज इस वक्त क्या होनी चाहिए? हम बांग्लादेश की सड़कों का हाल देख रहे हैं, वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो फिक्र करने वाली हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वॉट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट राइट नाउ? First and foremost, as I was alluding to restore law and order. Because you see, what happens when you have a gap, when police have fled the police station because some of the police officials were very politically identified with Awami League. General people will not understand, right? You want security at your home. You want security in the road. So one of the first thing for the caretaker government is to restore law and order, make sure people are safe in their house, make sure police are back to their duties, make sure except few police officials who are over enthusiastic, remaining can come back to work confidently, because the army chief has very correctly said, army is not trained to do civilian works. This is the work of police, right? So army can be in the street to assure, but day-to-day operations, but some of the students, for example, are not doing trafficking. When I just came back home, and I was a little late for your program because these poor chaps, students, they are trying to, but they are not trained traffic police. They have a lot of good intent, but I can imagine they are not used to be a traffic police. So you're seeing a lot of, so it's a little bit of chaotic, but I'm sure we'll get out of there. But my friend, colleague has been in Dhaka, so he understands the pulse of Bangladesh. So I'm glad that you brought someone like him. You see, I'll be very free and frank with you. Sometimes perception, even if they're misperception, becomes reality.
And India has to acknowledge that. And the general perception, you don't need someone like me. You come to Dhaka, you talk to ordinary people in the tea shop. Seven to eight out of 10 people will tell you India is a party for Awami League. This is the perception they have. Now, why this perception has grown? Because we had three elections non-participative. And general perception is India completely backed this government. I don't know whether it's right or wrong. I'm not in the diplomat. He is my distinguished colleague. So India has to, and I, whenever I met your current foreign minister, foreign secretary, when I came to visit to Bangladesh, I always requested them, you are a great friend, but please make this connection with people of Bangladesh. Don't be too much tied with a particular person and party. So aap keh rahe hain bar bar ye keh rahe hain ki beyond party lines ek taluqat hone chahiye bharat ke aur aapne ye baat rakhi hai lekin ek chhota sa sawal khasu sahab aapse ek bar phir ki jo caretaker government hai usse kya ab jo student activists hain jinhone ye pura morcha sambhala tha jinki wajah se ye pura ghatnakram kuch aur hi disha mein aage badha lekin kya wo aashwast nazar aa rahe hain ki ab desh sahi disha mein sambhal payega. It's too early to say. Professor Yunus only came yesterday from Paris to cover, so we should give him some time. It's too early to say. So I think at least let 1 month go. Let's see whether things are stabilizing, law and order situation, people are safe at their home, right? And markets are opening regularly, people are going, students are going back to universities, they have to go back to classes, right? Now that the movement is over, these are regular students, these are not. So then we will get a feel of where we, but Professor Yunus' advantage is he has a great international acceptability. He also has been awarded by India. India's highest civilian award he has been given. So he also has a lot of friends in India. He has a lot of admirers in India. I mean, from both sides. So I think Professor Yunus is the perfect person to bridge that gap with India because he is quite respected and accepted in India. So he's not an unknown factor in India. And my diplomatic colleague, he knows. So I'm sure if the right overtures are made from Indian side, he'll definitely reciprocate that. I'm pretty confident. आपको थोड़ा वक्त देना होगा और देखना होगा कि वाकई क्या वापस पटरी पर लौटती है जिंदगी आम लोगों की जिंदगी बांग्लादेश में. इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया अनिल त्रिगुणायत और सैयद मुनीर खासरू, आप दोनों का शुक्रिया. बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली. इन हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक समिति अब बन रही है. इस समिति का काम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेना है. भारत और बांग्लादेश की सरहद पर रोजाना इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है. सभी सीमा सुरक्षा बलों को केंद्र ने सतर्क रहने को कहा है और साथ में एक समिति भी बनाई है जिसके तहत बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश लगातार संपर्क में रहेंगे ताकि लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके. साथ ही बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि समिति बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के समक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी. जानकारी के मुताबिक इस समिति के अध्यक्ष बीएसएफ के पूर्वी कमांड के अपर महानिदेशक होंगे. समिति के अन्य सदस्यों में बीएसएफ के आईजी दक्षिण बंगाल और त्रिपुरा के आईजी होंगे और भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण यानी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य और सचिव भी शामिल होंगे. इस बीच शेख हसीना फिलहाल भारत में ही है. उनके बेटे साजिब वाजिद जॉय का कहना है कि जब बांग्लादेश में चुनाव होंगे तब हसीना वापस जाएगी, लेकिन तब तक क्या वो भारत में रहेंगी इसे लेकर केंद्र सरकार चुप है. हालांकि पर्दे के पीछे उन्हें यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट में शरण दिलाए जाने पर काम चल रहा है. नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए.